प्यारे तुलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा साइंस का 7वां पार्ट शुरू होने जा रहा है, सबक नंबर 2, तेज़ाब असास और नमक। इससे पहले हमने पिछली कुछ वीडियोस में इस सबक के बारे में काफ़ी कुछ अच्छी मालूमात हासिल कर ली है। अब इससे हम आगे देखेंगे। आप लोगों को थोड़ा मैं बेसिक की तरफ ले जाऊँ, हम पीछे का थोड़ा देख लेंगे ताकि आपका यादा हो जाए। हमने देखा था इंडिकेटर्स के तेज़ाब और असास की पहचान के लिए लिटमस कागज़ का इस्तेमाल होता है, और वो लिटमस कागज़ जो होते हैं वो हर शय को तेज़ाब और असास के साथ मुख्तलिफ रंगों में तब्दील कर देते हैं। तो ऐसे जो लिटमस कागज़ है उसे हम इंडिकेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडिकेटर। अब इंडिकेटर में नीला लिटमस जो है वो लाल हो जाता है, तो वो हमें क्या पता देता है कि ये तेज़ाब है का महलूल है। जबकि लाल लिटमस को अगर कोई महलूल नीला कर देता है तो हमें पता चलता है कि ये असास का महलूल है, यानी ये बेस है। उसके अलावा कुदरती इंडिकेटर में हल्दी है, जैसे कोई सफ़ेद कपड़े के ऊपर हल्दी का दाग लग गया और फिर हम उसको धोने लगे, धोने पर क्या हुआ, हमने उस पर साबुन रगड़ा, तो साबुन रगड़ने पर क्या हुआ कि वो दाग जो है वो और गहरा हो गया, यानी लाल रंग का हो गया या गहरे रंग का हो गया। तो ये भी क्या हुआ, एक तरीके का इंडिकेटर है। पहले हल्दी लगा तो ये कुदरती जो था वो बेस था, लेकिन जैसे उस पर साबुन लगाया, दोनों का तामुल हुआ तो कैसा हुआ, हल्दी का लगा हुआ दाग पीले रंग से गहरे भूरे रंग का या लाल रंग का हो गया। तो इससे क्या पता चला कि ये कीमियावी तामुल करती है, यानी कि हल्दी जो है वो कुदरती इंडिकेटर है, कुदरती तामुल करने वाली इसके अंदर ऐसे अज्जा मौजूद है। उसके बाद तेज़ाब का धातु के साथ तामुल, असास का धातु के साथ तामुल, हमने ये देख चुके हैं तजुर्बा गाह में तेज़ाब और असास की बनावट, वो भी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था बहुत सारी मिसालों के ज़रिए। और तेज़ाब का धातु के साथ तामुल, जब तेज़ाब धातु के साथ तामुल करता है तो हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, खारिज कर देता है, और खारिज करने के बाद क्या होता है, उसके अंदर जो एक किस्म का मुख्तलिफ अज्जा जो पैदा होते हैं वो नमक कहलाते हैं, यानी नमक उसमें कुदरती तौर पर आता है। उसके अलावा असास, तो असास क्या है, कुछ धातें असासों से तामुल करती हैं, कुछ भी धातें, यानी सब धातें तो असासों से तामुल नहीं करती, लेकिन कुछ धातें असासों से तामुल करती है, तो वो भी हाइड्रोजन गैस को खारिज करती है, और खारिज करने के बाद जो है वो धातु ऑक्साइड का, जिंक धातु ऑक्साइड है मिसाल के तौर पर, तो वो धातु ऑक्साइड को हाइड्रोक्साइड में, जिंकेट में तब्दील कर देती है, और ये भी हाइड्रोजन गैस को खारिज करती है। इसी तरीके से बहुत सारे तामुलात जो हमारी किताब में देखे गए, तो वह उम्मीद है आप देख लेंगे। उसके बाद आता है तेज़ाब और असासों में मुश्तरक क्या है, मुश्तरक यानी सेम चीज़ क्या है। तो सेम चीज़ में क्या है कि सभी तेज़ाबों की यकसा कीमियावी खसूसियात होती है, यानी जो भी तेज़ाब है, तेज़ाब तो अलग अलग तरीके के होंगे ना, जैसे एक तरीके का तेज़ाब नहीं होगा, बहुत सारे तरीके के तेज़ाब होंगे, तो वो तमाम तरीक़ों के जो तेज़ाब है, जब हम उनकी कीमियावी खसूसियात पर ध्यान देंगे तो वो कीमियावी खसूसियात बिल्कुल यकसा होंगी। इसकी वजह ये है कि सभी तेज़ाब धातु के साथ तामुल करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब इसकी अहम खसूसियात, यानी एकदम अहम चीज़ हमें क्या देखने के लिए मिलेंगी, कि जब भी ये किसी धातु के साथ तामुल करेंगे, यानी इस तेज़ाब का और कोई धातु का हम तामुल करेंगे, तो तामुल होने पर हमें क्या दिखाई देगा, कि वो दोनों के अंदर हाइड्रोजन गैस बनेगी और बनकर बाहर निकलेंगी। इसीलिए सभी तेज़ाबों में हाइड्रोजन गैस मौजूद होती है, यानी जितने भी तेज़ाब के महलूल हैं उन सब में हाइड्रोजन गैस मौजूद होती है। इससे जाहिर होता है कि सभी तेज़ाब महलूल में, यानी जितने भी महलूल, हम ऐसा नहीं कि एक तेज़ाब, जितने भी तेज़ाबों पर हम जो कर रहे हैं तामुल कर रहे हैं, तो वो तामुल करने में H प्लस आयन उसमें पैदा ही होगा। H प्लस आयन का क्या मतलब होता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, यानी वो पैदा करते हैं, प्लस होना यानी पैदा करना, यानी इसमें कुदरती तौर पर पैदा ही होगा, और तमाम यही हाइड्रोजन आयन जो है तेज़ाबी खासियतदार है। इसीलिए जब असासी महलूल देखते हैं, यानी जो तेज़ाब की बात नहीं कर रही हूँ मैं, असास की बात कर रही हूँ, तो असासी महलूल के अंदर वो OH माइनस आयन पैदा करते हैं। देखो दो चीज़ याद रखना, तेज़ाब की खसूसियात है वो एच प्लस आयन पैदा करते हैं, और असास की खसूसियत ये है कि वो OH माइनस आयन पैदा करते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको तेज़ाब और असास की पीएच स्केल के बारे में भी बता दिया था। पीएच स्केल का मतलब मैंने आपको बताया था
कि स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस एसिड यानी तेज़ तेज़ाब और असास को नापने के लिए पीएच स्केल का इस्तेमाल किया जाता है, जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की पैमाइश वाला पैमाना है। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन वाला पैमाना भी कहा जाता है, जिसे आम जबान में पीएच स्केल कहा जाता है और इसे पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं। इसके ऊपर 14 नंबर दर्ज किए जाते हैं, 0 से लेकर 14। तो 0 से लेकर 14 नंबर के दरमियान में जो है, बीच में 7 नंबर को रखा जाता है दरमियान में। 0 से 7 तक के जो नंबरात है वो H प्लस आयन वाले होते हैं, यानी तेज़ तेज़ाबी फितरत वाले होते हैं, और 7 जो रहता है वो तादिल मोतादिल रहता है, ना तेज़ाब ना असास। और 7 के बाद के जायद जो नंबरात है वो असासी फितरत के रहते हैं, यानी उसके अंदर जो है वो मुकम्मल तौर पर असास की पैमाइश करते हैं। अब हम आगे देखेंगे तेज़ाब और असास और नमक, ब्लीचिंग पाउडर। देखो, अब ब्लीचिंग पाउडर जो हम इस्तेमाल करते हैं, आपने ब्लीचिंग पाउडर को तो देखा ही होगा कि ब्लीचिंग पाउडर किसे कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर के का जो अहम है वो आपको पता होगा कि हम कपड़े धोने के पाउडर को भी एक तरीके का ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीक़ों के होते हैं ब्लीचिंग पाउडर, जो अक्सर जो है वो मैल, जो गंदगी होती है उसे साफ़ करने में मदद करते हैं। अब ये ब्लीचिंग पाउडर होते क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर जो है ये पीले या सफ़ेद रंग का होता है। क्या होता है? पीले या सफ़ेद रंग का पाउडर होता है, जिससे क्लोरीन की बू आती है, यानी एक किस्म का क्लोरीन नामी कीमियावी मात्रा इसमें मिला हुआ होता है। और जब इसे हम हवा में खुला छोड़ देते हैं तो इससे क्लोरीन गैस बाहर निकलती है और ये तेज़ाबों के साथ तामुल करके गैस पैदा करता है। देखो बेटा, ब्लीचिंग पाउडर का ज़ाब्ता यहाँ दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन मैं ओरल बोल रही हूँ आप लोगों को, आप ध्यान देंगे। CaOH2 प्लस Cl2 एग्यूस CaOCl2H2O, ये जो है ब्लीचिंग पाउडर को तैयार करने वाला ज़ाब्ता है, जो चूने से भी तैयार होता है। आप लोग देखते हैं घर में जो पेंट वगैरह होते हैं, तो पेंट वगैरह करने के लिए एक चूना लाते हैं, वो चूने को पानी में भिगा कर रखते हैं, तो कितनी तेज़ तेज़ाब ये जब जैसे ही चूने को पानी में डालेंगे तो कितनी मुकम्मल तौर पर गर्म होना शुरू होता है और उसके अंदर से बुलबुले उठना शुरू होते हैं। तो ये क्या हमें पता चलता है इससे, कि इसके अंदर एसिड की मिकदार मौजूद है, जो काफ़ी मिकदार में वो गर्म होने लगता है और गर्म होकर धुएं की शक्ल में बाहर निकल रहा है। जैसे ही उसमें से जो कुछ भी धुएं की शक्ल में बाहर निकल रहा है वो क्लोरीन गैस है, और उसके अंदर से क्लोरीन नामी मादे की बू भी आती है। तो ये जो था ये ब्लीचिंग पाउडर था। अब ब्लीचिंग पाउडर जो है वो भज्जे चूने से भी बनता है, और इसके जो इस्तेमाल है ये तो आप सब जानते ही, इसे हवा में अगर हम खुला छोड़ देंगे तो क्लोरीन गैस बाहर निकलेंगी और तेज़ाब और असास के साथ तामुल करता है और गैस को बाहर निकाल देता है। अब हम आगे देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये NaCl से बनता है। NaCl जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सोडियम क्लोराइड है उसे NaCl कहते हैं, और ये NaCl जो है आमतौर पर हम नमक भी कहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड आबी महलूल, ध्यान से सुनेंगे, सोडियम क्लोराइड के आबी महलूल में से बरकी रो गुजारी जाती है, तो ये महलूल सोडियम हाइड्रोक्साइड में तहलील हो जाता है। बरकी रो गुजारने का अब क्या मतलब हुआ? देखो, एक तरीके का सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड ये दोनों एक दूसरे से मिलकर बने होते हैं, और जब ये दोनों एक दूसरे से मिलकर बनेंगे तो जाहिर सी बात है ये सोडियम क्लोराइड का आबी महलूल बन जाएगा। आबी महलूल बनने पर अब आपको तो पता है कि बर्क जो पैदा होता है, बिजली जो पैदा होती है, तो बिजली पैदा करने के लिए कहीं ना कहीं जो है वो पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तब जाके बिजली पैदा होती है। तो जब ये सोडियम क्लोराइड के महलूल के अंदर से हम बिजली को गुजारने की कोशिश करेंगे, बिजली को जब हम गुजारेंगे तो गुजारने पर क्या होगा कि वो जो सोडियम क्लोराइड का महलूल आबी महलूल है उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड में तब्दील हो जाएगा। पहले देखो,
किससे ये महलूल बना? सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड, ये दोनों महलूल थे। दोनों महलूल से NaCl यानी नमक का महलूल बना। आम जबान में मैं कहूँगी वो नमक के महलूल के अंदर जब सोडियम क्लोराइड का आबी महलूल बन गया यानी मुकम्मल हो गया, यानी इसके अंदर सोडियम क्लोराइड भी आ गया और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी पानी भी आ गया, क्लोराइड भी हो गया, एक तरीके का ये नमक का जो है पानी बन गया। अब नमक के पानी में से बिजली की रौ को गुजारेंगे तो गुजारने पर वापस वो जो है दो अलग अलग हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे। सोडियम का हाइड्रोक्साइड का महलूल जो था आपका तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में तहलील हो जाएगा और इसके अंदर से जो गैस बाहर निकलेंगी वो हाइड्रोजन गैस होंगी, यानी हाइड्रोजन गैस जो है इसके अंदर से बाहर निकल जाएगी और ये बर्कपाशी के सेल में सोडियम हाइड्रोक्साइड का महलूल जो है वो बन सकता है। तो इस तरीके से ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो महलूल है ये सोडियम क्लोराइड के अंदर तब्दील होगा, तब्दील होने पर एक तरीके का नमक का पानी बनेगा और जब इसमें से बिजली गुजारेंगे तो बिजली गुजारने पर हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर खारिज होगी। अब देखो ब्लीचिंग पाउडर के इस्तेमालात, तो यहाँ ब्लीचिंग पाउडर के इस्तेमालात जो है कपड़े धोने में, गंदे कपड़ों को ब्लीच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फिर टेक्सटाइल की सनत में रुई और देख रहे हिस्सों के अंदर ब्लीचिंग पाउडर के एजेंट के तौर पर एक मजबूत ऑक्साइडिंग एजेंट है जो लिहाजा बहुत सारी सनतों में ऑक्साइड के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसको जरासीम कुछ दवाओं के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि देखो कपड़े और कागज़ की सनतों में ब्लीच का इस्तेमाल तो होता ही है, ब्लीचिंग पाउडर का साफ सफाई के लिए इसका इस्तेमाल होता है। उसके अलावा कीमियावी सनद, कीमियावी आप जानते हैं बहुत सारी आजकल जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं बाहर की, ये सारी जो सनतों से आती है ये कीमियाई सनतों में बनने वाली ही चीज़ें हैं और वहाँ पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल ब्लीचिंग पाउडर का तकसीद के लिए होता है। तकसीद यानी अलग अलग करने के लिए, उसका इस्तेमाल पीने के पानी में मौजूद जरासीम को मारने के लिए होता है। वो ब्लीचिंग पाउडर नहीं कि हमारा जो कपड़े धोने वाला ब्लीचिंग पाउडर हम पानी में मिला देंगे उसको पी लेंगे, ये अलग अलग तरीके के ब्लीचिंग पाउडर को मादे की मियार के मुताबिक बनाया जाता है और उसके हिसाब से उसके अंदर वो दवाइयाँ मिलाकर उसको उसके महलूल के मुताबिक तैयार किया जाता है। तो वो ब्लीचिंग पाउडर है, ये वो ब्लीचिंग पाउडर नहीं है कि हमने कपड़े धो लिए वगैरह और उसको फिर कपड़े धोने के पानी में मिला दिया और वे पानी को साफ़ कर गया। वो ब्लीचिंग पाउडर अलग होता है और कीमियावी सनतों में बनने वाला ब्लीचिंग पाउडर अलग होता है। तो इसी तरीके से ये ब्लीचिंग पाउडर के बारे में मालूमात थी, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आपको आगे एक गूगल फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म पे आपको टिक करके सवालात के जवाब देने हैं और बराए मेहरबानी आप जो है वीडियोस पूरे देखें और कुछ नहीं समझ में आता है तो मैं बार बार कहती हूँ कि आप व्हाट्सएप पे पर्सनली पूछ सकते हो और नोटबुक कंप्लीट करें। आज इंशाल्लाह सबक नंबर एक के जो 10 सवालात दिए गए थे उसके आगे के सवालात सेंड किए जाएंगे, उसके बाद आप लोग जो है अपनी नोटबुक में लिखना शुरू कर देंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।